हेलो फ्रेंड्स, आप हमें लाइव देख रहे हैं और इस वीडियो में हम आपको लाइव टेस्टिंग करके दिखाएंगे। एक तरफ है हमारे पास आर्केटिक एयर मिनी एयर कूलर और एक नॉर्मल जो कि आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इन दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। प्राइस वाइज भी जो है काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव कह सकते हैं कि ये आपको 250 से लेकर 300 रुपये तक लोकल मार्केट और ऑनलाइन भी मिल जाता है। जबकि इसका प्राइस जो है फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में तो ये कम से कम 1500-1600 का मिल रहा था, बट आजकल जो है ये 1900 तक पहुंच गया है। जैसे जैसे गर्मी आती जा रही है, इसका प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है। तो पहले ये 1600 तक का मिल रहा था, बट अब जो है ये आपको मिनिमम 1950 से नीचे नहीं मिलेगा। तो टेस्टिंग करने से पहले हम जो है आपको डिटेल में स्पेसिफिकेशन बता दें। तो फ्रेंड्स, ये है एक प्रकार का यूएसपी मिनी फैन कह सकते हैं, कूलर तो कमी है। इसमें जो है आप यहाँ पर पानी या बर्फ़ डाल सकते हैं, परफ्यूम भी डाल सकते हैं। ये इसका ऑन ऑफ बटन है। इसमें जो है आप हवा की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ये तीन प्रकार से चल सकता है। इसमें आप घड़ी वाले सेल डाल सकते हैं, पावर बैंक से चला सकते हैं, मोबाइल अडेप्टर से भी इसको चला सकते हैं। और इसमें और ज़्यादा कुछ भी फंक्शन नहीं है, तो जस्ट ये स्पेसिफिकेशन आप दे सकते हैं कि 2.5 वाट ये पावर कंज्यूम करता है। तो फ्रेंड्स, अब जो है हम बात करते हैं आर्केटिक मिनी एयर कूलर की स्पेसिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे पास एक ज़बरदस्त कह सकते हैं कि ज़बरदस्त कंसेप्ट है, या एक ऐसा सरप्राइजिंग गैजेट है कि जो एक छोटा है, हमने स्केल रखना भूल गए, बट ये देखिए आप हमारे हाथ के लगभग बराबर है। तो मे बी ये 6 इंच का है, हाफ फीट कह सकते हैं। और मल्टी डायरेक्शनल एयर वेंट है इसमें, आप ये इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसमें जो है यूएसपी केबल के द्वारा आप इसको चला सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको आप मोबाइल से, मोबाइल अडाप्टर हो या आपका लैपटॉप में जो यूएसबी पोर्ट होता है उससे भी आप चला सकते हैं, पावर बैंक से भी ये चल जाएगा। और इसमें यहाँ पर आपका पानी डलेगा, तो इसमें पानी डालने के लिए देखिए फ्रेंड्स, आपको कम से कम 500 से लेकर 700 ml इसमें पानी डलेगा। और ज़्यादा इसमें और कुछ भी बताने लायक कुछ भी नहीं है। प्यूरीफायर्स है, ह्यूमिडिफाइज है, यानी कि हवा में मॉइस्चर डालता है। तो ये हमने एक हवा में कितनी रिलेटिव मॉइस्चर है उसको मेज़र करने का एक डिवाइस भी रखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, 7 प्रकार की एलईडी है। अब आपको हम इसके कंट्रोलर बता देते हैं। यहाँ से ये ऑन ऑफ होगा, यहाँ से इसकी स्पीड कंट्रोल होगी, इससे आप लाइट जला या बुझा सकते हैं, या 7 प्रकार की लाइट सेट कर सकते हैं। इसके अंदर कोई पंप वंप नहीं है फ्रेंड्स। इसमें होता क्या है कि यहाँ पर आपका एक अच्छा सा पावरफुल फैन लगा हुआ है, और अगर आप हम सामने से दिखाएं तो ये खोलकर आपको दिखाते हैं। तो इसमें फिल्टर पेपर या कागज़ है, और मैं भी हमें नहीं पता ये कब तक चलेगा, और मैं भी अगर ये ख़राब हो गया तो हम इसको बदलने की पूरी कोशिश करेंगे, और इसको आप वापस लगा देते हैं। और इसका एक बेहतर मॉडल भी आया है जिसका नाम जो है आर्केटिक एयर अल्ट्रा है। तो फ्रेंड्स, अब जो हम इसको रख देते हैं और अब हम कंपेयर करते हैं दो फैन को, दो मिनी एयर कूलर के एयर फ्लो टेम्परेचर को, सब आपको सामने लाइव टेस्टिंग करके दिखाते हैं। तो फर्स्ट हम आपको ये ऑन कर देते हैं। तो ये इसका लो स्पीड है, यहाँ से आप ये देख रहे हैं, तो ये एलईडी भी जल रही है। तो ये हमने ऑन कर रखा है, तो ये एक प्रकार है जो कि हवा का एयर फ्लो स्पीड नापता है। तो जितने भी वेदर वैज्ञानिक होते हैं, वेदर साइंटिस्ट, तो वो ऐसे डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। तो लो स्पीड पे जो है इसकी रीडिंग अगर आपको दिखाएं तो ये आ रही है 1 मीटर पर सेकंड आ रही है। और ये रीडिंग जो है आपके बिल्कुल पास रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, इसको आप दूर नहीं रख सकते। अब जो हम इसकी स्पीड को मीडियम कर देते हैं, और अब ये देखिए 1.8 मीटर पर सेकंड टेम्परेचर ये दिखा रहा है। टेम्परेचर हम आपको अलग से दिखाएंगे, 27 सेंटीग्रेड टेम्परेचर।
लगातार टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हमने कमरे का टेम्परेचर नापने के लिए एक डिवाइस रखा हुआ है, और अब जो है हम इसकी स्पीड फुल कर देते हैं, मैक्सिमम कर देते हैं, और अब ये देखिए इसका एयर फ्लो अगर आपको प्रॉपर दिख रहा हो तो ये जो है आपकी कह सकते हैं 2 के आसपास है। अगर आप इसको बिल्कुल पास से करेंगे तो 2 के आसपास है। फ्रेंड्स ये एक 1% कूलर है, बट ये आपके कमरे को भी कूल कर देता है, बट कंडीशन यही है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बहुत ज़्यादा गर्मी में ये कूलर शायद काम ना करे। अब जो है हम इसको बंद कर देते हैं, अब जो है हम आपको इसका एयर फ्लो चेक करके दिखाते हैं। इसका एयर फ्लो इसके मुकाबले बेहतर है, फास्ट है। अगर आपको हम ये दिखाएं, ये हमने चला दिया और इधर आप देखेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो रीडिंग जो है 2.8 तक जा रहा है मैक्सिमम, कई बार तो 2.4। तो एयर फ्लो के मामले में ये हमारा मिनी एयर कूलर ज़्यादा बेहतर है, अच्छी हवा देता है, बट कूलिंग नहीं है। कूलिंग इसमें इस तरह से नहीं है क्योंकि इसमें कोई कूलिंग का प्रॉपर साधन नहीं है। पानी डालने से कोई फैन ले नहीं सकता, कूलिंग मॉइस्चर हवा में आ नहीं सकता, जबकि इसके अंदर प्रॉपरली कागज़ हैं। कागज़ क्या होता है कि पानी को उठा लेते हैं और पीछे से फैन हवा फेंकता है, तो हवा जो है बिल्कुल सच में ठंडी आती है। अब जो है हम आपको टेस्टिंग करके दिखाते हैं कि इस कूलर की हवा कितनी ठंडी है। तो फ्रेंड्स ये है हमारे पास इंफ्रा रेड थर्मोमीटर, तो ये एक प्रकार का डिवाइस है जो कि टेम्परेचर बता सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपको दिखाएं तो आसपास का जो टेम्परेचर है वो है 27.4 सेंटीग्रेड। इसकी रीडिंग आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये हमारा रूम का टेम्परेचर इस वक्त ये चल रहा है, तो रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट देता है। अब जो है हम आपको इसके अंदर के आसपास का टेम्परेचर दिखाते हैं, तो मे बी इसको हम टारगेट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स 27 और इसका टेम्परेचर जो है 19, 8-10 डिग्री का अंतर है इसमें, और मे बी ये 18.1 भी दिखा रहा है, 18.9 या 5, ये मिनिमम जो है अगर आप देख रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि हम इसके अंदर कहाँ जा रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स 17 तक जा, तो 10 से 15 सेंटीग्रेड का फर्क है इसमें। इवन मैं यहाँ पर पास बैठा हूँ मुझे भी ठंड फील हो रही है, क्योंकि आजकल टेम्परेचर डाउन है, कूलर लायक नहीं है, तो इसकी कूलिंग सचमुच है। बट दिक्कत यही है कि इसमें कागज़ डले हुए हैं, और कागज़ कब तक रहेंगे, कब तक ठंडक देंगे वो हमें नहीं पता। और कुछ क्वेश्चन लोगों ने पूछे थे हमारी पुरानी वीडियो में, हमने वो रखे नहीं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन था कि भाई कितनी देर आप इसको चला सकते हो। तो फ्रेंड्स हम जो है 2 हफ्ते हो गए, और जब गर्मी थी हम लगातार इसको 8 घंटे चलाते हैं। लाइट चली जाए, लाइट ऑटो कट हो जाए तो ये बंद हो जाता है, इसमें वो ऑप्शन नहीं है कि बार बार स्टार्ट हो जाए, तो लाइट जाने के बाद आपको फिर से इसको स्टार्ट करना पड़ता है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा जो है ये लाइट जो है अगर हम इसको ऑफ भी कर दें, ये रोशनी बहुत तेज है तो रात को काफ़ी दिक्कत होती है सोने में, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। और कईयों का क्वेश्चन है कि भाई हमारा फिल्टर पेपर गीला नहीं हो रहा, तो हमें एक ये है कि फ्रेंड्स आपका पानी से पूरा टच होना चाहिए। ये आप कागज़ देख रहे हैं, ये अगर ये पूरी तरह से पानी से टच होंगे तो आपका फिल्टर पेपर गीला हो जाएगा। 2-3 कागज़ हमारे नहीं टच हो रहे हैं तो हमें वो भी करना पड़ेगा, तो आपका पानी प्रॉपर टच होना चाहिए तभी आपकी कूलिंग होगी। और इसमें हमेशा पानी जो है फिल्टर वाला डाले, आरओ का डाले, पानी हार्ड बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि पानी अगर हार्ड होगा तो आपका जो कागज़ है उसमें नमक जमा होता रहेगा, तो कूलिंग अपने आप कम होती रहेगी। तो पानी बिल्कुल प्योर डालना है, और पानी जो है जैसे इसमें 500 से 700 ml पानी आता है तो वो 2 घंटे में उड़ा देता है, 2 घंटे में पानी साफ़ हो जाता है, तो हर 2 घंटे में आपको पानी डालना पड़ेगा। और तीसरी बात जो है इसकी कि इसमें कई क्वेश्चन आता है कि पानी हमारा बाहर लीक हो रहा है, तो थोड़ा मोटा लीकेज होगी तो वो आप एम सील से इसको ठीक कर सकते हैं।
मोस्टली ये कूलर जो है वन पर्सन है इस, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि पीजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो रख कर पढ़ सकते हैं, कहीं पर भी ले जा सकते हैं। अगर आप घूमते हैं बहुत ज़्यादा और अगर आप एसी वाले रूम का किराया नहीं भर सकते, तो ये आप इसको आसानी से कार में रख सकते हैं। बहुत छोटे से बैग में ये आ जाएगा, इसको आप कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं, इतना परफेक्ट ये कूलर है। और नेगेटिव पॉइंट जो है ये ओवर प्राइस है। अब जो है आजकल प्राइस जो है इसका चढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है, तो 1990 2000 के करीब हो गया है। बट प्रोडक्ट जो है काफ़ी अच्छा है। इसका एक नया मॉडल मॉडल भी आया है जिसमें उसका नाम है अर्केटिक एयर अल्ट्रा। उसमें जो है कागज़ की जगह स्पंज डली हुई है, स्पंज, और उसको आप बाहर निकाल के धो भी सकते हैं। उसका फैन भी ज़्यादा पावरफुल है, तो वो इससे बेहतर मॉडल है जो कि अभी भारत में नहीं मिल रहा है कहीं पर भी। तो अगर अल्ट्रा मिल जाए तो उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। बट हमारा कोई बात यही कह रहे हैं कि ये सिंगल पर्सन कूलर है, इसके आगे आप बैठोगे तो आपको कूलिंग बहुत अच्छी मिलेगी। और दूसरी इसकी जो सबसे बड़ी बात जो है, ये हवा में मॉइस्चर ज़्यादा नहीं बढ़ाता। जैसे हमारे पास ये बड़ा सा कूलर है, ये हवा में मॉइस्चर बढ़ा देता है, ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ा देता है कि इंसान परेशान हो जाता है, जबकि इसके साथ ऐसा नहीं है। बिल्कुल नॉइस फ्री कूलर है, आप आराम से पास पढ़ के रख के पढ़ भी सकते हैं, सो भी सकते हैं। तो ये है फ्रेंड्स, नेगेटिव पॉइंट्स इसके बहुत ज़्यादा हैं, बट इसके फायदे भी हैं जो कि बहुत ही अलग प्रकार के हैं। तो आप इस प्रोडक्ट को हमारे दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं। ये ऑनलाइन आपको अब 1990 रुपये के करीब मिलेगा। और ये वाला कूलर तो आपको अगर फ़ैन की तरह लेना है तो आप ले सकते हैं, और ये सिर्फ एक प्रकार का फ़ैन ही है जो कि आपको 250 रुपये का 300 तक मिल जाएगा। इसमें कूलिंग नहीं है, अगर आपको हम ये दिखाएं, इसमें कूलिंग बिल्कुल भी नहीं है इस फैन में। अगर हम पानी भी डाल दें या बर्फ़ भी डाल दें तब भी कूलिंग नहीं होगी, जबकि इसमें कूलिंग है। और कूलिंग इसमें ऐसी भी है, अगर आप इसमें पानी नहीं भी डालोगे तब भी हवा जो है ठंडी आती है, थोड़ी सी कह सकते जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है हवा का, नॉर्मल कह सकते हैं सीलिंग फैन से जो हवा आती है उससे मुकाबले इसमें बिना पानी के भी ठंडी हवा आती है। तो फ्रेंड्स ये था ऑल अबाउट, वी होप ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। ये इसकी जो बॉडी है काफ़ी नाजुक है, अगर थोड़ा सा गिर गया, मिस हैंडलिंग होगी तो बॉडी टूट भी सकती है, तो आपने इसका ध्यान रखना। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। धन्यवाद।